ये मैटलैब का फर्स्ट वीडियो है और मैटलैब के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बता देते हैं कि मैटलैब किसको सीखना जरूरी है। मैटलैब वो हर इंजीनियर को सीखना जरूरी है जो कोर ब्रांच में जॉब करना चाहता है और कुछ रिसर्च करना चाहता है, क्योंकि मैटलैब के थ्रू हम कंप्यूटेशनल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैटलैब में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से वो हर मैथ जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मैट्रिक्स हो गया और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, साथ साथ ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैटलैब का इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। .m इसका एक्सटेंशन होता है, जब हम मैटलैब फाइल को सेव करेंगे तो .m के साथ ये सेव होगा, जिसे m फाइल भी कहा जाता है। मैटलैब का यहाँ पर लोगो देख सकते हैं और मैटलैब यहाँ पर दो वर्ड से बना है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ओके, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्राम है इसमें, और मेन परफॉर्म करता है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। ये बहुत ही इजी होता है, और अगर हम कंपेयर करते हैं जावा, फोर्टेन और सी, मैटलैब में एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग डालते हैं, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जावा, फोर्टेन, सी, सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी तरह मैटलैब, और मैटलैब की सिमिलर साईफाई है, साईलैब, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करते हैं। मैटलैब की यूजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैथ एंड कंप्यूटेशन, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग, सिमुलेशन, प्रोटोटाइपिंग, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सारे चीज हम लोग मैटलैब में कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग भी किया जाता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कर सकते हैं जो कि हम लोग सीखेंगे आगे और क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हम लोग कंटेंट्स जो हम लोग सीखेंगे सारे वीडियो सीरीज में वो ये है, इस तरह से है। सबसे पहले मैटलैब के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मैटलैब बेसिक्स, टू डायमेंशनल प्लॉट, थ्री डायमेंशनल प्लॉट और लूप्स के बारे में जानेंगे, यहाँ पर ग्राफिक्स एनिमेशन और वो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम मैटलैब में जो जिस तरह से इंजीनियरिंग काम करते हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन होता है, वो हर चीज़ हम लोग मैटलैब में सीखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मैटलैब के बारे में। जो मैथ वर्क्स करके एक डेवलपर है उसने डेवलप किया था ये मैटलैब, जो कि इनिशियल रिलीज का 1984 है। 1984 से ये कंटिन्यू चलते आ रहा है और अभी तक R 2017 भी रिलीज हो चुका है। आपको हम बता देते हैं कि साल में दो बार ये रिलीज होता है, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में। जो मार्च में रिलीज होता है वो ए के साथ होता है, और जो सितंबर में होता है बी इसका रख दिया जाता है। जैसे R 2017 बी मीन्स 2017 के सितंबर में ये रिलीज हुआ था। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं डेवलपमेंट स्टेटस एक्टिव है अभी तक, और ये मैटलैब प्रोग्राम लिखा गया था सी, सी प्लस प्लस और जावा में। ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो इसमें हम तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स पर। टाइप यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, और यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हम बात करते हैं मैटलैब स्क्रीन। मैटलैब स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे तो सेम, अगर हम मैटलैब ओपन करते हैं तो इस तरह का मेरा स्क्रीन दिखेगा, जो कि यहाँ पर हम कमांड विंडो है जिसमें कमांड टाइप करेंगे, प्रोग्रामिंग लिखेंगे, और यहाँ पर करंट डायरेक्टरी है, वर्क स्पेस है। चलिए सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैटलैब ओपन कर लेते हैं। मैटलैब ओपन होने में 1 से 2 मिनट लगेगा। तो और अगर आपको मैटलैब इंस्टॉल करना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया हुआ है। या तो आप स्टूडेंट वर्सन इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप YouTube के थ्रू आप जो भी वर्सन चाहते हैं आप मैटलैब इंस्टॉल कर सकते हैं, इजी है, और उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटलैब यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम जो हम लोगों ने देखा था इसमें, इस तरह से वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर
कमांड विंडो है जिस पर हम लोग कमांड करेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ये वर्क स्पेस है जो हम कमांड करेंगे, उसका जो रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर ही सेव हो जाएगा। ये करंट फोल्डर है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कमांड लिख करके सेव करते हैं तो वो फोल्डर यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, तो हम इस सब के बारे में जानेंगे किस तरह से यहाँ पर सेव होता है और इसे फिर से किस तरह से डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पर हम कमांड विंडो में एक हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे 2+3 को जोड़ना है तो 2+3 सिंपली लिखे और इंटर किए तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 ऐड हो गया है, 2+3=5। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क स्पेस में भी ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से इतना ही ईजी ये मैटलैब है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी और लैंग्वेज में तो ये बहुत ईजी है और सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग जब इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सिलेंडो में करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर इतना ही नहीं, हम यहाँ पर प्ले वीडियो ऑडियो प्रोसेसिंग बहुत सारे चीज़ यहाँ पर करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ओके, यहाँ पर एक्चुअली न्यूमेरिकल मेथड के बारे में भी हम सीखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग इसे कमांड कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग कमांड के थ्रू ही यूज होता है। न्यू के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एन के थ्रू हम न्यू एडिटर ओपन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कमांड यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन है, एक एक करके सभी सभी टूल्स के बारे में हम जानेंगे, सारे टूल्स को किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इम्पोर्ट डाटा, अगर मुझे डाटा अगर सेव है तो हम वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पर इसे हम ओपन करके आप प्रोग्राम इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेव वर्क स्पेस है, यहाँ से किया जाता है। तो सारे टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर टूल्स है, इन्वायरमेंट टूल्स, जिसके थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्क स्पेस और करंट फोल्डर सब देख रहे हैं, इसे हाइड अनहाइड यहाँ से इजिली किया जा सकता है। देखिए किस तरह से ये हाइड हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड और अनहाइड करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो प्रीफरेंसेस, प्रीफरेंसेस में हम एक सेटिंग होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर इन्वायरमेंट आप इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट डिस्प्ले न्यूमेरिक और इसका कलर वगैरह सारे चीज चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसका गाइड हेल्प कीबोर्ड शॉर्टकट ये सारे चीज यहाँ से इजिली चेंज किया जा सकता है। और एड्स वंस के बारे में जानेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है, एक्चुअली इसका हम यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में देखें तो रिसोर्सेज के अंदर हम लोग एक तरह से हेल्प ले सकते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो कम्युनिटी में जाकर के हम डिस्कस कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर इसे क्लिक करते हैं डायरेक्ट ये गूगल पर लैंड कर देगा और यहाँ से हम कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग में डाउट हो तो इसे हम यहाँ से डिस्कस करके इजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह रिक्वेस्ट सपोर्ट है, लर्न मैटलैब के थ्रू हम यहाँ से वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, इस तरह से हेल्प लिया जा सकता है। ओके, तो ये सारे चीज मैटलैब का है जिसके थ्रू हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैटलैब में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और मेनली हम लोग इंजीनियरिंग कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाय बाय।